नमस्ते एंड वेलकम टू अवर चैनल जस्ट मैरिड। माय नेम इज निकिता और आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपसे व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर की है। मॉर्निंग में हम पोहा खा रहे हैं बट गाइज इतनी सुबह सुबह मैं पोहा बना रही थी ना कि मैं रेसिपी शूट नहीं कर पाई। बट हाँ गाइज, आप मुझे ज़रूर ये बताइए कि आप लोगों को पोहा कैसी लगती है। यहाँ पे मैंने पोहा के साथ चाय भी सर्व किया है और ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home तonight. Guys, व्हाइट सॉस पास्ता बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक वेसल में हम पानी गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और उसमें डालेंगे नमक। और यहाँ पे मैंने व्हीट पास्ता लिया है जिसका नाम है गिल्ट फ्री पास्ता। क्योंकि ये आटे से बना है तो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा भी खा सकती हूँ, मैं मैदा का चीज़ भी खाती हूँ, लेकिन ये गिल्ट फ्री है तो मेरे घर पर ना इसे सभी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, इसे मैं अच्छी तरीके से बॉयल कर लूँगी और मैं ना अपने पास्ते में कॉर्न भी डालूँगी, तो मैंने स्वीट कॉर्न भी इसमें डाल के बॉयल कर लिया। उसके बाद एक पैन में हम डालेंगे बटर, जिंजर और गार्लिक। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ। इसमें डालेंगे स्लाइस्ड अनियन, एक बड़ा साइज़ का अनियन को स्लाइस किया। उसमें हम डालेंगे कैप्सिकम स्लाइस किया हुआ और गाजर चॉप किया। आप चाहें तो सारी चीज़ें बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर विश। और इसे हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, बट हाँ, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा और उसके बाद इसे हम रोस्ट करेंगे। सो गाइज, देखिएगा मैदा का ना इस तरीके से कच्चापन निकल जाएगा। आप चाहें तो मैदा बटर के साथ अलग से रोस्ट करके व्हाइट सॉस बना सकते हैं, बट मैं क्विक बनाने के लिए इस तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 ग्लास के जितना मिल्क। मिल्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि अगर आप कम डालेंगे तो वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगा और हमारा पास्ता सॉसी टेक्सचर की जगह बहुत ही ज़्यादा थिक टेक्सचर में आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ओरिगैनो। अगर आपको तीखा पसंद है, अगेन आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे और थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि इसका नमक कैसा है। देन उसके बाद इसमें बॉइल्ड पास्ता और स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे। सो गाइज, ये इजी पीजी व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी बनके तैयार है। और हाँ, जब आप इसे सर्व करें तो अगर आपको चीज़ पसंद है तो ऊपर से चीज़ भी डाल दें। मैंने इसके ऊपर चीज़ डाला है जो कि मेल्ट हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइज, थैंक यू। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं तो हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम से। बाय बाय गाइज़।